सबसे पहले जय श्री राम। कैसी लगी, क्या पूरे भारतवर्ष को अच्छी लगी? और ये मूवी देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हर सनातनी लोगों के दिल में मुझे लगता है अब वो जोश पैदा हो जाएगा कि हमारा धर्म और हमारा संकल्प हमारा कर्म क्या है। फिल्म की रिसर्च कितनी हद तक अच्छी हुआ? फिल्म तो जिसने बनाई है, मैं चाहूँगी कि अगर ये फिल्म ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उनको ये एहसास हो गया कि ये फिल्म की अच्छी हिट नहीं हुई है, सुपर हिट, तो शायद ऐसी मूवी बनाने की कोई दूसरा कोई कोशिश नहीं करेगा। सो मैं चाहूँगी कि हर कोई ये मूवी देखे ताकि ये बॉलीवुड की जो भी फिल्में चल रही हैं वो सब छोड़ करके कुछ इस टाइप की मूवी बनना स्टार्ट हो। सिनेमा का जो पात्र मतलब जो चीज़ें हैं वो तो दिखाई गई, उसके साथ राइटिंग कितनी हद तक अच्छी है? राइटिंग अच्छी क्या है, राइटिंग रियल है जो हर किसी को पता है, उस चीज़ को वीडियो में दिखाया गया है, सो हर कोई समझ सकता है, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि मूवी देखने के बाद आपका दिमाग 500 सालों से क्या हुआ था वो चीज़ फिर से रिन्यू होगा और ये देखने के बाद आप सीधे अयोध्या जाएं और दर्शन करें श्री राम का। जिस तरीके से इनो श्री राम जी के बारे में बात की जा रही है, क्या लगता है लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी फिल्म में कुछ? हर्ट होगी तो होनी चाहिए एक्चुअली, जिन लोगों ने हमें इतने सालों तक हर्ट किया है उन्हें हर्ट करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। थैंक यू। क्या कहना रहेगा लोगों से फिल्म देखने के लिए, मूवी को देखने के लिए? क्या मुझे लगता है अगर किसी के अंदर हिंदू धर्म की आस्था है तो ये मूवी देखनी ही चाहिए एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छी लगी। और सवाल पूछे तो मैं जवाब देती हूँ। क्या बेस्ट लगा फिल्म में देखते वक्त, क्या सबसे ज्यादा अनुभव? मुझे सबसे बेहतरीन जो अच्छी बात लगी इस फिल्म की वो है डायलॉग्स। डायलॉग्स में बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही R&D किया हुआ, बारीकी जो होता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और सब लोग हिंदुत्व की बात है और सबकी इट्स ओवरऑल वेरी गुड। इसकी मतलब जो स्क्रीन बोल सकते स्क्रीन डिपिक्शंस है, जिस तरह से इनको दिखाया गया है और वो एकता का भाव है, टोटल जो इसका मेन जो मोटो है वो जस्टिफाई हो रहा है, हिंदुत्व सनातन जय श्री राम। अच्छा क्या कहने रहेगा, जिस तरीके से इतना डीपली इस फिल्म का अध्ययन किया गया है, और क्या लगता है कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती फिल्म? देखिए सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसको बहुत ही रिसर्च करके किया गया है, जो सत्य है वो सत्य है और सेंटिमेंट्स की कोई बात ही नहीं। भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है और भाई बहन जो चारे की बात करते हैं वो भी है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कब तक आप सत्य से अनजान रहते, आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ से गुजरना ही पड़ता, तो इस बेटर कि इस ये राइट टाइम है, नो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, और जिस टाइम पर फिल्म आई है ये एक जागरूकता का काम कर रही है, बहुत ही सही मैसेज सबको दे रही है। ये सच जानना ज़रूरी था क्योंकि जो हिस्ट्री है जिस तरह से उसको छेड़छाड़ किया गया आप सबको पता ही होगा, इस चीज़ से कोई भी अनजान नहीं है, तो जो हिस्ट्री थी उसको सही मायने में दिखाना बहुत ज़रूरी था। ज़्यादा बोलूँगी तो पॉलिटिकल हो जाएगी, मुझे पॉलिटिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज़ आप इस फिल्म को देखें और जागरूक बने, अपने समझदारी से काम लें, सही जो सच है उस बात को जाने और जो अपनी जो विश्वास है संस्कृति है जिसके ऊपर आपको इतना भरोसा है, जो जड़ है अपने बच्चों में ज़रूर दे और खुद भी, क्योंकि आप बच्चों में तभी दे पाएंगे जब हम खुद उस चीज़ को जानेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और पूरी विश्वास पूर्णता के साथ उसको अपने अंदर उतारेंगे। बहुत अच्छी तरीके से बताया, मतलब जो भी कन्वे करना चाहते थे बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किया है मैसेज जो भी है। ओके इतना डीपली इस फिल्म का मुद्दा है, इसका सब्जेक्ट है, क्या कहना रहेगा कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया? सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं करती है बट डॉक्यूमेंट्री किस नॉलेज प्रोवाइड करती है जो रियलिटी हुई है, और लाइक बहुत लोगों की आँखें खुलेंगी जैसे मुझे भी कई सारी चीज़ें पता चली, बट सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं करेगी इसे। बहुत अच्छा काम वगैरह फिल्म में, बहुत अच्छा लगा काम, लोगों को पसंद आएगी देखते हो? मुझे तो पसंद आई, सबको बहुत पसंद आएगी। ओके व्हाट्स योर आउट ऑफ 5? मैं रिकमेंड करूंगा 8। प्लीज़ देखें इस मूवी को। ऑलरेडी 695 फिल्म देखी है, कैसी लगी फिल्म? 695 जो फिल्म है मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा शूट हुआ है फिल्म, बहुत बड़े पर्दे पर बहुत अच्छी लग रही है। इसमें डायरेक्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किए, म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, गाने बहुत ही बढ़िया है फिल्म में, और इस फिल्म में जो है जो हिंदुओं ने मेहनत की है राम मंदिर तक पहुंचने में, अयोध्या में जो राम मंदिर अब बनने जा रहा है उसके पीछे का जो संघर्ष है
जो साधु संतों ने संघर्ष की है, जो सनातनों ने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, वो सब इस फिल्म में दिखाई गई है। एकदम फैक्ट बेस्ड फिल्म है, एकदम सच्चाई दिखाई गई है। मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म। मैं सभी भारतीयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर ये फिल्म देखें तो आपको सच्चाई जो है वो समझ में आएगी। क्या कहना रहेगा इतने कॉन्ट्रोवर्सी या फिर इतने विवादों में रहा हुआ टॉपिक को किस तरीके से प्रेजेंट किया इतने बड़े पर्दे पर? मैं यही बोल रहा हूँ कि इस फिल्म में बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जो है एकदम ऑनेस्ट तरीके से जो सदियों की जो कहानी है वो पर्दे पर लाई गई है, और बिल्कुल देखना चाहिए हर किसी को। 695 अयोध्या। क्या कहना रहेगा फिल्म के बारे में? क्या फिल्म का जवाब नहीं, आदमी को अपने पूरे परिवार के साथ ये मूवी देखनी चाहिए ताकि आदमी को अपनी संस्कृति का बैर मालूम पड़े। क्या कहना रहेगा, क्या किस तरीके से फिल्म रही है, क्या अनुभव था कि राम मंदिर को बनवाने में हमको 400 साल कैसे लग गए? इतना संघर्ष, इतने लोगों का मर्डर हुआ, इतनी तबाही हुई, तब जाके राम मंदिर बना है। सब इसके बारे में मालूमात इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि राम मंदिर ये विषय काफी चर्चाओं में रहा जी। इतना सेंसिटिव टॉपिक होने के बाद किस तरीके से इसके मेकर्स वाले लोगों ने या फिर इसका प्रदर्शन करने वाले लोगों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया इसमें? ये फिल्म आपको ये फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। डिटेल में आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ इस फिल्म के अंदर वो दिखाया गया है कि कितने लोग मरे, कितनी तपस्या करी कितने लोगों ने इस राम मंदिर को बनवाने के लिए। इसको मूवी को देखने चाहिए आदमी को अपने पूरे परिवार के साथ। अगर कुछ बेस्ट वगैरह पूछूं, क्या फिल्म में आपने बेस्ट एक्सपीरियंस किया, क्या सबसे ज़्यादा मन को भा गया वगैरह ऐसा? ये तो हमारे मतलब हिंदू समाज के जो है संस्कृति के बारे में मालूम पड़ा कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, बहुत नॉलेज मिली मुझको। और फिल्म के अंदर डायलॉग का जवाब नहीं, और लालू प्रसाद का जिसने रोल किया है उनका जवाब नहीं, छोटा सा रोल था लेकिन अपनी छाप छोड़ के गए। वैसे जितने भी इसके अंदर कलाकार थे, एक्टर कोई नहीं है, सब परफॉर्मर हैं, धांसू कलाकार हैं, धां धां हैं। और फाइट इतनी बढ़िया ली, मतलब रियल में था, रियल में जैसे वहाँ किसी को मारा गया होगा ना, और जब वहाँ पे लोगों को मारा गया ना गोलियों से, तो ऐसे दर्शाया गया कि जैसे रियली में हो रहा है। वो इतनी बढ़िया फाइट ली। क्या बात है, जैसे फिल्मों के अंदर फाइट आ जाती है ना, धां धूं गिर के पड़ गए, वो नहीं, रियल लग रहा था जो रियली ऐसा हुआ होगा फाइट यार। चलो ठीक है, लोगों से क्या दरख्वास्त रहेगी फिल्म के दौरान? और वो उसके अंदर डायलॉग था ना वो कि कोई हम घास चढ़ने वाले जानवर नहीं जिसको कलमा पढ़ के काट दिया जाए। लोगों से क्या दरख्वास्त रहेगी? मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा ये मूवी अपने पूरे परिवार के साथ देखें ताकि अपनी संस्कृति के बारे में मालूम पड़े। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जय सियाराम, धा धा धा।